ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग और टाइगर का नया ट्रेलर देखने के बाद राहुल गांधी कहते हैं कि सलमान जैसा कोई सुपरस्टार नहीं है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी टाइगर 3 के बारे में कहते हैं कि सलमान हमारे जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए टाइगर 3 बना रहे हैं। अगर हमारे देश पर अगर कोई आपत्ति या फिर संकट का समय आता है तो हमारे जवान अपने जान का भी बलिदान करने में संकोच नहीं करते, और ऐसी मूवीज आनी चाहिए ताकि हमारे देश में पॉजिटिव मैसेज जाए। मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं कि टाइगर 3 सुपर हिट होगी। वहीं कांग्रेस के काफी नेता टाइगर 3 को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। टाइगर 3 हर कहीं काफी ज्यादा फेमस हो गई है और पूरी इंडिया में टाइगर 3 को जमकर प्रमोट भी किया जा रहा है। दोस्तों टाइगर टेलर ने हर किसी को दीवाना बना दिया है और इस मूवी का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वहीं इस मूवी को राज्यसभा के पॉलिटिकल पार्टीज भी सपोर्ट कर रही है, यानी कि अब इंडिया में जवान के बाद टाइगर ही ऐसी मूवी है जिसको काफी ज्यादा लोग पसंद करने वाले हैं। आपको टाइगर का ट्रेलर देखकर लग रहा होगा कि इसमें काफी ज्यादा तबाही होने वाली है। जी हां दोस्तों, इमरान हाशमी को एक पाकिस्तानी टेररिस्ट दिखाया गया है जो कि हमारे भारत देश पर हमला करने की पूरी तैयारी में होता है, और टाइगर उस हमले को कैसे नाकाम करता है यह स्टोरी देखने जैसी होगी। वहीं टाइगर 3 में एक ऐसा एक्शन सीक्वेंस बनाया गया है जिसमें टाइगर को पाकिस्तान की जेल में बंद किया जाता है। उसके बाद पठान उसको बचाने के लिए एंट्री मारेगा और वो एक्शन सीक्वेंस काफी डेंजर होगा। इस बार तो एक्शन के मामले में सलमान सबको पीछे छोड़ने वाले हैं, और टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग बता रही है कि ये बहुत बड़ा बवंडर है। दोस्तों क्या लगता है आपको, टाइगर 3 क्या इस दिवाली एक नया इतिहास लिखने में कामयाब होगी? क्या पठान और जवान का रिकॉर्ड धूल में मिलने वाला है? कमेंट में लाजमी बताना। अगर आप टाइगर 3 की एडवांस बुकिंग और हर एक रिव्यू की अपडेट देखना चाहते हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको टाइगर 3 की सारी जानकारी मिलती रहे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा ताकि हम ऐसे ही आपके लिए और अच्छी अपडेट लाते रहें। धन्यवाद।